122 सीट पर सरकार बनेगा और आपके पास 110 सीट है, और 110 सीट में 5 को सीट मान लीजिए कि ओबीसी साहब को भी जोड़ लेते हैं तो भी 115 ही है, और एक सीट जीत भी लेते तो 116 होता, सरकार कैसे बनेगा? अब लोग रात में सपना देखता है, ये तेजस्वी जी है ना, दिन में ही सपना देख रहे हैं, माझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे, भैया जब आपके साथ थे तब तो हमको और माझी जी को कोई कदर ही नहीं था, हा? और आप अभी ऐसे कैसे समझ रहे कि आपके पास हम चले जाएंगे? हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। उपचुनाव को लेके बिहार की राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई। आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी ने कल अपना नामांकन किया, उसके बाद तमाम जो मंत्री थे वो मौजूद थे, सभी ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के दौरान वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को 243 सीटों का समीकरण बताया, कहा कि अगर वो तेजस्वी यादव जो दिन में सपने देख रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना लेंगे तो उनका भ्रम है। और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे उन्होंने कड़ा तंज कसा है। क्या आप बयान दे रहे हैं, पहले ये सुन लेते। और आज हम लोगों को बुलाने के लिए सपना देख रहा है और आप लोगों के बीच में आएंगे कि ये सीट जीत लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, या ये आएंगे उनके लोग जितने भी होंगे और तेजस्वी भी आएंगे, वो भी कहेंगे कि ये सीट जीत लेंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा। भैया कैसे सरकार बन जाएगा, कौन सा स्कूल में पढ़ के आए हैं भाई? 243 सीट है में बिहार सरकार विधानसभा का हाउस है, जिसमें 122 सीट पर सरकार बनेगा और आपके पास 110 सीट है, और 110 सीट में 5 को सीट मान लीजिए कि ओबीसी साहब को भी जोड़ लेते हैं तो भी 115 ही है, और एक सीट जीत भी लेते तो 116 होता, सरकार कैसे बनेगा? अब लोग रात में सपना देखता है, ये तेजस्वी जी है ना, दिन में ही सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएंगे, माझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे। भैया जब आपके साथ थे तब तो हमको और माझी जी को कोई कदर ही नहीं था, हा? और आप अभी ऐसे कैसे समझ रहे कि आपके पास हम चले जाएंगे? हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। अरे भैया जब आपके पास थे तब तो आपको हमारा कोई कदर ही नहीं था, और आप अभी हमको बोले कि माझी जी को हमारे साथ आ जाइए, तो ये सपना मत देखिए। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार है, मजबूती से हम लोग सरकार चला रहे हैं और पूरा विकास का काम होगा। और आप सबको पता है कि यहाँ पे चुनाव जीतने से क्या क्या होगा, हम लोग तो आप देखिए कि दरभंगा में कितने मंत्री और कितने सांसद, कितने जनप्रतिनिधि हैं। आज बिहार सरकार में अगर कहा जाए तो चार चार को मंत्री, मदन जी, संजय जी, मैं, रामप्रीत जी, हमारे जिवेश जी, सब हम लोग तो दरभंगा जिला से आसपास से बगल से ही हम लोग है, हमारे गोपाल जी, ठाकुर जी, प्रिंस जी, तो हम लोग कितना काम करेंगे। अगर हम लोग जितना मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग अगर पांच पांच को काम लेकर आइएगा और सब मंत्री अगर एक एक काम करने लगेंगे तो कोई समस्या बचेगा क्या? तो आपने सुना, सीधे तौर पे उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिन में ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं कि 243 सीटों का जो समीकरण है वो उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया उन्हें और कहा कि वो कुछ ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए उनको लगता है कि अगर वो 2 सीट जीत जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं लालू प्रसाद यादव पे भी उन्होंने कड़ा तंज कसाया और कहा है कि जेल में जब रहते थे लालू प्रसाद यादव तो लगातार वो हमसे संपर्क करते रहते थे और जो तोड़ने और खरीदने की जो बात होती है वो लगातार करने की बात कहते थे। तो सरकार किसी की नहीं बनने जा रही है, सरकार जिसकी है उसी की बनी रहेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार है, और जो 2 सीट जो बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं वो दोनों सीट एनडीए के खाते में आएगा, और जो तेजस्वी यादव दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि वो दोनों सीट जीत जाएंगे और जीत भी अगर जाते हैं गलती से, हालांकि वो जीतेंगे नहीं, अगर जीत भी जाते हैं तो वो सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि सरकार हमारे ही बनी रहेगी, 243 जो विधानसभा सीट है उस पर हमारा बहुमत है और हमारा बहुमत बना रहेगा। तो देखने वाली बात है कि इस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनकी भी राहें मुश्किलें ही हैं, क्योंकि आपको बता दूं कांग्रेस ने भी उनके विरोध में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। इससे जुड़ी तमाम खबर लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।